प्रोमो का रिलीज हुआ है लेकिन ऐसा लग रहा है कि फिल्म रिलीज होने वाली है आज। सनी ने हैंडपंप नहीं उखाड़ा इस बार, तो अभी इस पिक्चर में उखाड़ेगा कि नहीं? नहीं, अभी वो कोई और पिक्चर में उखाड़ेंगे। सनी जो रहा है तो एक्शन कैसे नहीं होगा? क्या हमने कोई और बिजनेस कर लिया? नहीं, मैं सोच रहा था कि अभी थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, बाकी को जरा चलने दो। Bobby Deol and others attended the press conference of their film Yamla Pagla Diwana 2 in New Delhi. Take a look. कल कुछ दोस्त देख रहे थे YouTube पे प्रोमो इसका ये वाला, तो उन्होंने पूछा कि सनी ने हैंडपंप नहीं उखाड़ा इस बार, तो अभी इस पिक्चर में उखाड़ेगा कि नहीं? नहीं, अभी वो कोई और पिक्चर में उखाड़ेंगे। अच्छा, लेकिन आपसे इंस्पायर हो कि जॉली एलएलबी में अरशद ने वो टूटी उखाड़ दी इसकी टैब जो जहाँ से पानी पी रहे थे। देखिए, दीज इंस्पायर कोई किसी से नहीं, दीज आर जस्ट बेसिकली थिंग्स जो हम लोग हर पिक्चर में करते रहते हैं। जो चीज़ें पॉपुलर हो जाती हैं तो उन्हें भी कहीं स्क्रिप्ट में आ जाता है, तो वी पुट इट अक्रॉस इनटू इट, बिकॉज अगेन लाइक आई सेड, दिस इज अ फिल्म व्हिच इज अ फन फिल्म, जैसे पार्ट वन थी। So, in this, यहाँ मौका मिल जाता है कहीं कहीं हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर सकें। जब पहली फिल्म बनाई थी तो हमने कभी सोचा नहीं था कि लोगों को इतनी पसंद आएगी। जब पहला प्रोमो बना था तभी सब लोग इस बात पे हंस रहे थे कि हमने अपना मजाक उड़ाया, और इस बार हमने जो प्रोमो देख रहे हैं आप, जो देखा आपने, उसमें हमने किसी का मजाक नहीं उड़ाया। फिल्म इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग विद द मोमेंट इन द फिल्म। जब इतनी फिल्में जो इतनी हिट हो चुकी हैं, जब लोग उन फिल्मों को देखते हैं तो उससे उन्हें याद आता है, तो वो घर पर जाके वही इमिटेट करते हैं। तो हमने उसी हिसाब से इस फिल्म में जो जोक्स रखे हैं उसी हिसाब से रखे हैं। प्रोमो का रिलीज हुआ है लेकिन ऐसा लग रहा है कि फिल्म रिलीज होने वाली है आज। थोड़ी सा स्ट्रेस ज्यादा है लेकिन नींद कम है, लेकिन फिर भी एक्साइटमेंट है। सर, आप आजकल गायब से हो गया, क्या हमने कोई और बिजनेस कर लिया? नहीं, मैं सोच रहा था कि अभी थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, बाकी को जरा चलने दो। तो अभी बाकी काफी बहुत देर तक चल गया, तो मैं चलो अभी ट्राई करता हूँ। जैसे ना रिटायर के बाद आदमी वापस आता है, अभी देखना ही है कि मेरे पास वो ताकतें, वो हिम्मत है या नहीं है, वो पिक्चर के लगने के बाद ही पता चलेगा। यमला पगला दीवाना तीनों दिखाई दिए, लेकिन क्या हम उम्मीद करें कि यमला पगला दीवाना 3 में जो है वो भी ऑन स्क्रीन दिखाई देंगे और इसकी ये सीरीज बढ़ेगी पर्दे पर देओल की? 3 के बारे में तो पता नहीं, 4 में तो जरूर होगा। So when it is another person's story, another brand which I have to take it forward, the responsibility becomes that much more. But we actually said yes only once we were sure that on paper the story was much better than the first one. Desi ये भी है, but बलेट में जाके देसी हो जाती है। कहानी UK की है तो obviously वहाँ की look रहेगी, लेकिन the characters are basically सब पापा बॉबी का character बनारस ही वहाँ जाता है। It has the same elements basically, the root of earthiness is there in this film, but definitely the look of UK. तो यमला पगला दीवाना का जो मंत्र है वो क्या? वो जब पापा यहाँ होते हैं तो उनका मंत्र होता है यमला पगला दीवाना। बहुत प्यारे से चोर बने थे और इस ट्रेलर को देख के लगता नहीं कि वो चोर सुधरा है। Basically इस फिल्म की जो कहानी है वो अलग है, लेकिन कैरेक्टर सेम है। मेरा कैरेक्टर वही है, गजोधर, और पापा धर्म है। So it was fun, it's great. भैया का कैरेक्टर मतलब वही है, लेकिन सिचुएशन बदल गई है। हम लोग इंग्लैंड में हैं, हम सोचते हैं कि इंग्लैंड में थोड़ा सा कांड करते हैं, कुछ मस्ती करते हैं, तो इट्स द सेम इन दैट वे। कैरेक्टर सेम है लेकिन आपके लुक्स में, क्योंकि इसमें क्यू है जो एक नया कैरेक्टर है, तो जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्योंकि क्यू तो क्यू है, उसके आगे हम कुछ नहीं बोल सकते। एक्शन भी है मूवी में, सनी देओल है तो एक्शन कैसे नहीं होगा? वैसे देओल जाने जाते हैं एक्शन के लिए ज़्यादा, तो काफी एक्शन है, लेकिन ऐसा एक्शन जो सबको पसंद आएगा। ये नहीं कि आप लोग सिर्फ खून खराबा देखेंगे, इसमें कॉमेडी है और डेफिनेटली बच्चों को बहुत पसंद आएंगे एक्शन सीक्वेंसेस। इसमें आपने देखा 3 हट्टे कट्टे सुमो भाग रहे हैं भैया के पीछे, तो जब आप देखेंगे तो सबको बहुत हंसी आएगी, और इट्स फन, इट्स बीन ग्रेट फन वर्किंग व्हाइल इन द एक्शन, बिकॉज़ आई हैड टू जस्ट वॉच भैया वाज डूइंग ऑल द एक्शन, सो इट्स गॉट सम ग्रेट एक्शन। इसे बहुत अच्छा म्यूजिक है हमारा, हम तो कहेंगे हमारी हर चीज़ अच्छी है, लेकिन कुछ ही दिनों में म्यूजिक भी बाहर आ जाएगा, तो यू कैन गेज इट योरसेल्फ। फिलहाल हम लोग ये गाना शूट कर रहे हैं अभी, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज मेरे हिसाब से पूरा देश में नियरली 90% लोग पापा जैसे ही हैं, मेरे जैसे हैं, जिनको नाचना बहुत आता है।
तो हमने गाना उस थीम को लेकर बनाया कि आई विल डांस लाइक दिस ओनली, आई विल डांस लाइक दिस ओनली, मैं तो ऐसा ही नचना. सो वी अगेन उसमें भी हम अपना कर रहे हैं कि भाई हम तो ऐसे ही नाचेंगे चाहे रिदम और नो रिदम, बट वी गोना डांस लाइक दिस. उसमें हम तीनों आइटम नंबर्स हैं. अभी ढूंढ रही हूँ, अभी मुझे लगता है कि पिछली पिक्चर में विवेक ने बहुत पब्लिसिटी कर दी है कि मैं सिंगल हूँ, तो आई थिंक बाय द एंड ऑफ YPD प्रमोशन आई थिंक आई फाइंड समवन वेरी इंटरेस्टिंग. परमवीर तुम्हारा भाई है. एक दो साल लगेंगे, अभी वो छोटा है, 21 साल का है, तो एक दो साल दीजिए उसे. डेफिनेटली ही विल बी कमिंग जॉइनिंग योर फोर्स. तो हम आपको उनके साथ पढ़ते हुए देखेंगे कि आपके कुछ प्लान्स होंगे. आई थिंक मैं पापा मेरे साथ तो नहीं आए थे ना, मैं अकेला ही आया ना. तो वी लॉन्च हिम प्रॉपरली एंड रेस्ट लेट्स सी हाउ इट गोज़.